बदमाशों के हौसले बुलंद, चोरी के बाद बदमाशों ने मारी गोली, पुत्र की मौत, पिता घायल। बरेली बेखौफ, बदमाशों ने पिता पुत्र को मारी गोली, पुत्र की मौत, पिता घायल। घर में चोरी करने घुसे बदमाशों ने पकड़े जाने पर मारी गोली, मौके पर पुलिस मौजूद। थाना भोजीपुरा के जनक जागीर गांव की घटना। बरेली के थाना भोजीपुरा के गांव जनक जागीर में रात को बदमाशों ने चार घरों में करी लाखों की चोरी। चौथे घर में चोरी के बाद जाग रहे परिवार वाले बदमाशों का करा पीछा। बदमाशों ने मारी गोली, दिनेश और हरप्रसाद के लगी गोली। दोनों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां दिनेश को मृत घोषित कर दिया। दिनेश के भाई की शादी 10 जून को होनी थी। चारों घरों से चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। गोली लगी है। बड़े भाई हैं हमारे। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार। क्या हुआ था बताइए। ये हुआ था मतलब रात के समय, मतलब 2:30 बज रहा था, तब चोर आए थे। चोरों ने आके घर मतलब लूटा, उसके बाद घर से निकले। भाई को पता पड़ा, देख के बोलो। भाई को पता पड़ा, उसके बाद उन्होंने पीछा किया और मतलब जो है गाँव में गोली मार दी। कुछ पता है कहाँ के थे, क्या था? पता कुछ नहीं चल रहा है सर। पुलिस आई? पुलिस भी आई है। क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई ये चल रही है, कह रहे हैं कि मतलब जो एक हफ्ते के अंदर मतलब जो पकड़े जाएंगे, ऐसा मतलब जो है हमारे लिए आसरा दे रहे हैं। उनका चाकू भी यहाँ पे बरामद हुआ है। चाकू बल भी गया था जो दादा बांधा था। क्या हुआ था बताइए। क्या हुआ जो तो सो रहे हैं, जैसे हम तो अंदर हमें ना पहले हमें जगाओ, हमें तो ना हमें देखो ना हमें पता, इन्हें हमें जगाओ जब फैर कबाज पुलिस था तो देखो तो पुराना सब और सामान। तो उससे पहले भी आपके यहाँ कहती हो तो उस समय कितना सामान लिया था? उस समय तो माल गहनों सब कुछ गो, पैसा गो। तो अभी तक वो पुलिस ने चोर पकड़े या फिर कोई ना पकड़े? खाली दौड़ भाज हमने करी, ऐसी दौड़ भाज करवाई, सभी भाजे भाजे फिर अब कोई फोन का सुनवाई ना करी। पुलिस आपके यहाँ आई? पुलिस आई सवेरे 5:30। नाम रोहन है सर। क्या हुआ था बताइए। सर ऐसा हुआ था, घर में 3 चोर घुसे थे और सब पैसा वगैरह माल वगैरह जेवरात जो भी था वो निकाल के ले जा रहे थे। तो भाई ने देख लिया, फिर पीछा करा भाई ने, पापा ने, तो भाई आगे थे पापा पीछे थे, तो उनने फिर गाँव ही में गोली मार दी भाई के गोली मारी, फिर ख़त्म हो गए। पापा ने फिर भी पीछा करा उनका। जो दूसरे व्यक्ति की गोली लगी घायल है कुछ समझ का? ना उनके गर्दन पे वो मतलब छर्रा वाला दाना आया, एक सीना पे, एक पेट पे और 2 मत्थे पे। दूसरा फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की आप? सर पुलिस ये कह रही है 1 हफ्ते में खोज कर रहे हैं कौन है, किसका क्या है, और 100 नंबर को कॉल किया था, 100 नंबर आई नहीं थी सर। फिर कैसे आई पुलिस? अब पुलिस सुबह आई है सर। रात की घटना 2:30 बजे के टाइम हुई थी और अब आई है पुलिस सुबह। राम मूर्ति पहुँचे हैं तब आई है। उसके बाद में आई है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था भाई? मैं सो रहा था तो 2:30 बजे के टाइम, 2 बजे के टाइम सो रहा था, डकैती पड़ी तो वहाँ जब पता चली तब मुझे पता चली। मतलब आपके घर में चोरी हो गई और आपको जानकारी नहीं थी, वहाँ जब फायर हुआ तब मालूम पड़ी, आप सो रहे थे। इससे पहले भी आपके यहाँ 2012 में, दिसंबर 2012 में डकैती पड़ी। डकैती पड़ी थी, उसमें कितना सामान गया था? उस समय तो करीब 2.5 लाख की थी। उस समय? इस समय 6,000 का, 6,280 रुपये। जी जनक जागीर गाँव है भोजीपुरा में, तो वहाँ पर 3 चोर 2 बजे के करीब गांव में घुसे और उन्होंने 3 घरों में चोरी की। चौथे घर में जब वो चोरी करने घुसे तो वहाँ पर जाग हो गई, तो घर वालों ने उन चोरों को दौड़ा लिया। तो गांव के बाहर जो चोरों ने जब देखा कि ये पकड़ लेंगे हमें, तो उन्होंने फायर कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल भी है इसमें बताया? हाँ, एक पर एक दो छर्रा लगा है। तो क्या उसके यहाँ से भी कोई सामान ले जा सके थे या? हाँ, उसके यहाँ से भी कुछ सामान उठा लिया था उन्होंने, इसीलिए वो पीछा कर रहे थे सामान ले वापस लेने के। चोर वगैरह पकड़े गए हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।